चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि है आज हमारे पास K9 की वाईफाई वायरलेस माइक्रोफोन जो कि है वाईफाई से कनेक्टेड और बिल्कुल सस्ते दाम में। आजकल हम लोग ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी टेक्निकल वीडियो के लिए, कभी कभी कोई इंटरव्यू वगैरह हो तो ये इस्तेमाल कर रहे है। तो आप लोग देख लीजिए हमारे पास जो है हम यूज कर रहे है ये है K9 की वाईफाई जो माइक्रोफोन है। चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा K9 का बॉक्स जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसको फटाफट से खोलते हैं और यहाँ पे दिया गया है कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन, हम इसको भी साइड कर रखते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे दे रखा है 50 रुपीज़ कैशबैक जो अच्छा रिव्यू करने से मिल जाता है। तो ये है हमारा वायरलेस माइक्रोफोन। तो यहाँ पे दो वायरलेस माइक्रोफोन है दो आदमी के लिए। तो देखिए, तो ये देखिए क्या है, ये इसको तो दबा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे में है आपका स्विच पावर ऑन ऑफ के लिए, इसको दबाते हैं तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है तो ये पेयर होने वाला है। तो देखते हैं और इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे है हमारा जो कनेक्टर, वो कनेक्टर देखते हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है। और ये है टाइप सी वाला कनेक्टर, टाइप सी मोबाइल में इसको आप लोग इंसर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो हमको पैकेट में बताया गया था iOS डिवाइस भी इसमें कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि आईफोन वगैरह भी यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे दिया गया है हमका OTG जो है उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे और एक माइक्रोफोन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, ये है और एक माइक्रोफोन। यहाँ पे भी हम पावर ऑन कर देते हैं तो देखते हैं अच्छा है कि अच्छा है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों हमारा तो हो गया माइक्रोफोन। और यहाँ पे देखते हैं और एक पैकेट में क्या दिखा है। यहाँ पे दिया गया है हमका टाइप सी वाला केबल जो हम वाईफाई जो माइक्रोफोन है इसमें एक अच्छा फीचर्स है, यहाँ पे बैटरी डाउन नहीं होता है। आप लोग सर्च कर लीजिए, सर्च या ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा जो पैकेट है, पैकेट में यही हमको मिल रहा है एडाप्टर जो कनेक्टिंग वाला है वाईफाई, और दो माइक्रोफोन एक USB। तो मैं यहाँ पे और एक आप लोग को बात बताना चाहता हूँ, अगर आप वीवो हो, ओप्पो हो या रियलमी डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपको ये कनेक्टर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पे पहले हमने जैसे इंसर्ट किया है आप लोग को हम दिखा देते हैं, सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जा कर के यहाँ पे आप लोगों को OTG सर्च करना पड़ेगा। OTG सर्च करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा एक ऑप्शन OTG कनेक्शन, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग नीचे में देख रहे हो OTG कनेक्शन, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। OTG जो कनेक्शन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो डिवाइस है आप लोग देख लीजिए, ये स्टे हो गया है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है ये स्टेबल हो गया है, यानी कि दोनों माइक्रोफोन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और आप लोग ऐसे जो दोनों वायरलेस माइक्रोफोन है ऐसे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा जो दोनों माइक्रोफोन है यहाँ पे तो कनेक्ट हो गया है, हमारे जो रियलमी डिवाइस है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। आप लोग ऐसे अपना जो आईफोन है आईफोन में भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं रिकॉर्डर ऑन करके, रिकॉर्डर में हम यहाँ पे साउंड थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे तो देखते हैं कैसा है। यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, हाँ ये तो साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। अभी थोड़ा हम वाइब्रेशन का साउंड देंगे, ये कैसा होता है देख लीजिए। अभी इसको जब आप अपने हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे हम आप लोगों को बता देते हैं, ये वायरलेस माइक्रोफोन तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग करेंगे, अगर आप लोगों का वॉइस यहाँ पे आ जाएगा ना, तब थोड़ा दबी हुई सा आवाज़ निकलता है। आपने देख लिया कि कैसा है K9 का वाईफाई माइक्रोफोन जो वायरलेस है, बिल्कुल तार की कोई झंझट भी नहीं है। टाइप सी हो या आईफोन हो, कोई भी डिवाइस से आप लोग इसको अपना आवाज जो है वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इसका डिमांड आजकल बहुत है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लॉगिंग के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं, कोई टेक्निकल वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा आवाज का क्वालिटी है वो अच्छा से अच्छा करने के लिए ये यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, इसका जो आवाज है वो थोड़ा दबी हुई सी लगता है। तो दोस्तों ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसको आप एंड्रॉइड डिवाइस में, आईफोन में, और अगर आपके पास ऐसा डिवाइस हो लैपटॉप में, अगर इसमें टाइप सी वाला कनेक्टर हो तो इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए
इसको इसमें इंसर्ट करके भी आप लोग अपने लैपटॉप से कोई भी रिकॉर्डिंग हो इसको रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।